हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फो मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है व्हाई अमेरिका डजंट विंस वॉर्स एनीमोर। और ये देखिए, वॉक्स मैगजीन में भी छपा है ये आर्टिकल। और मैं और आपको बता देता हूँ, ये आर्टिकल इस तरह का, मेजर अमेरिकन फेलर ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऑन व्हाई द यूएस लॉस्ट इन अफगानिस्तान। ये टाइम्स जो बहुत ही बड़ा मीडिया ग्रुप है उसमें भी छपा है ये। और ये रियल क्लियर डिफेंस, एक डिफेंस की एक अच्छी वेबसाइट है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डज अमेरिका लाइक लूजिंग वॉर्स और जियोपॉलिटिकल फ्यूचर्स, व्हाई अमेरिका लॉसेस वॉर्स एंड डिफेंस न्यूज, व्हाई अमेरिका कुड लूज इट्स नेक्स्ट वॉर। इसने तो अगले वार के लिए भी प्रेडिक्ट कर दिया है कि अमेरिका अगला वार भी हारने वाला है। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं, अमेरिका लड़ाइयाँ छेड़ता तो है लेकिन उन्हें जीत क्यों नहीं पाता है। अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी के बाद इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला देश, जिसके पास सबसे आधुनिक सेना है, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी है, वो तालिबान को मात क्यों नहीं दे पाया। अमेरिकी इंटेलेक्चुअल भी बहुत परेशान है कि अमेरिका मॉडर्न वॉर क्यों नहीं जीत पाता है। इस बारे में अमेरिका के बचाव में कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अमेरिकी सेना ने अलकायदा को नष्ट किया, उसामा बिन लादेन को ढूंढ कर मार डाला, अलकायदा के दो लीडरों को पकड़ा या मार डाला, अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए, इराक में ISIS जैसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया, सद्दाम हुसैन, कर्नल गद्दाफी जैसे तानाशाही को ख़त्म किया। लेकिन क्या अमेरिका सच में अपने मंसूबों को पूरा करवाया जिसके लिए वो युद्ध करता है? वैसे देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद से अमेरिका ने 5 प्रमुख युद्ध लड़े, जिसमें वियतनाम वॉर, कोरिया वॉर, गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान वॉर शामिल हैं। जिसमें 1991 में लड़ा गया गल्फ वॉर, जो कुवैत और इराक के बीच हुआ था, उसको हम सफल कह सकते हैं। बाकी सभी वॉर में अमेरिका ने शिकस्त ही खाई है। आखिर अमेरिका वार हार क्यों जाता है? इसके कई कारण हैं, जैसे किसी देश के खिलाफ ना लड़कर स्थानीय विद्रोहियों से लड़ना। जब लड़ाई की बात आती है तो किसी देश के खिलाफ लड़ना आसान काम होता है, क्योंकि उसमें मिलिट्री बेस, चेक पोस्ट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री एयरपोर्ट को ढूंढना और उस पर हमला करना आसान होता है। लेकिन जब बात आती है स्थानीय विद्रोहियों की, तो इसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है और वे गोरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ लड़ना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। और दूसरा कारण है उनकी संस्कृति से अनजान रहना। जहाँ जहाँ अमेरिका वार करने जाता है तो अमेरिका वहाँ के कल्चर से अनजान रहता है, जिस कारण वह वहाँ की संस्कृति को नहीं समझ पाता है, जैसे वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, इराक वॉर। जब अमेरिका को लगा कि जब अमेरिकी आर्मी इराक में दाखिल होगी तो इराक का शिया समुदाय इराक में सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट विद्रोह कर देगा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तीसरा मुख्य कारण है जियोग्राफी। इस मामले में दो प्रमुख उदाहरण वियतनाम और अफगानिस्तान वॉर हमारे सामने हैं। जब अमेरिकी सेना वियतनाम में हमला करती थी तो वियतनाम में घने जंगल होने के कारण गोरिल्ला आर्मी जंगल का फ़ायदा उठाकर छुप जाती थी, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में पहाड़ियों में तालिबान के आदमी छुप जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के आदमी छुप जाते थे तो जब जब अमेरिका बम बरसाता था तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही मिलता था। तो इस वजह से अमेरिका की आर्मी वहाँ पे परेशान हो जाती और सोचती कि हम यहाँ पर अपने बम क्यों ख़राब करते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमेरिका अब किसी जंग में कूदता है या नहीं। अगर अमेरिका अब किसी जंग में कूदता है तो वहाँ क्या होगा? इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपका सुझाव या कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका सुझाव और राय बिल्कुल पिक की जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। साइनिंग आउट।